नमस्कार, आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना YouTube चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। मैं डॉक्टर जसीजुल इस्लाम ABS सेक्सीमेन स्टेशन में स्टार वेटनरियन का जॉब करता हूँ। मुझे पशुपालक का एक मीटिंग में ABS सेक्सीमेन के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाया है, तो आइए जानते हैं ABS सेक्सीमेन के बारे में। तो सेक्सीमेन जोन सा टेक्नोलॉजी है ये, जैसे आज पहले हम लोग जो है किसी के घर में एक लैंडलाइन फ़ोन होता था, आजकल सबके हाथ में देखो एंड्रॉयड फ़ोन है। ऐसे ही जो है पहले क्या होता था, उस ज़माने में गाय होता था, सांड होता था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। गाय जब हिट में आता था सांड से क्रॉस कराते थे, लेकिन उसमें दिक्कत क्या था, अगर आपका गाय रात को 2 बजे अगर हिट में आया तब आपको क्रॉस कराना है, बारिश हो गया, ये हो गया, आपके गांव में जो है साढ़ है ही नहीं, तब जो है आपका गाय जो है मिस हो जाता है। तो उसको जितना वेटनेरियन है, साइंटिस्ट है, उसको थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करके देखा, नहीं जो बूढ़ साढ़ से हम एक गाय पे जब हम क्रॉस कराते हैं पूरा बीज ही हम डाल देते हैं, लेकिन वो इतना बीज होता है उससे हम जो है 400 से 500 गाय को हम गाभिन करा सकते हैं। तो ये जो सा संसाधन है इसका अपचय है अगर हम नेचुरल कराएंगे। दूसरा हो गया जोन सा साढ़ है, उसमें बहुत सारे बीमारी होते हैं। जब हम आपका गाय जो है स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इस गाय से बहुत सारे को करते हैं, तो किसी में भी अगर बीमारी होगा वो बीमारी इसमें आता है। इसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलता है, जो सेक्स के थ्रू जाता है। जैसे इंसान में एड्स बीमारी था, ऐसे करके बहुत सारे बीमारी है जो साठ से गाय में जाता है या गाय से उस साठ को आता है, उससे अगर दूसरे को करेंगे तो उसमें फैलता है। एक ताज़ा मिसाल है जैसे ब्रुसेलोसिस, आपके गांव में बहुत सारे ढोरों में है लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। वो क्या होता है, गाय तो आपका जो प्रेगनेंट होगा, गाभिन होगा, लेकिन 6 महीने के बाद 9 महीने के अंदर वो बच्चा गिराएगा, किसी भी कीमत में वो बच्चा रुकेगा नहीं, 6 से 9 महीने में बच्चा गिराएगा, उसके एबोर्शन बोलते हैं, वो ब्रुसेलोसिस से होता है। और बहुत सारी बीमारी है लेकिन ब्रुसेलोसिस सबसे ज्यादा है खतरनाक। क्यों खतरनाक है, जब बच्चा गिराया आपने जाके उस बच्चा उसका जो सा जहर है उसको उठा लिया, वो जो सा आदमी पकड़ लिया उसको, उसके हाथ में आता है, वो अगर अच्छी तरह से सफाई नहीं किया तो उस आदमी को होता है। जैसे कोरोना था, पहले जानवरों में था, उसके बाद अब इंसान में आ गया, इसको बोलते हैं जूनोटिक, मतलब पशु से इंसान या तो इंसान से पशु बीमारी जो है फैलता है, इसको जूनोटिक। जैसे टीबी, गाय में अगर टीबी है उसका दूध अगर हम लोग पियेंगे, मतलब कम उबाल के, ठीक है, तो हमें भी टीबी होगा। या तो मेरा टीबी है, मैं पशु के साथ रह रहा हूँ, पशु की सेवा कर रहा हूँ, दाना चारा, तो मैं जब खासूंगा वो जो सा बैक्टीरिया है वो जो है उस पशु में जाएगा, तो ऐसे फैलता है। तो ऐसे ही जैसे आपका ये ब्रुसेला है, ठीक है ना, तो इनसे क्या होगा, वो बीमारी जो है उस आदमी को हो जाएगा जिसने उसको लिया। तो उस आदमी के अंदर जब वो आएगा, बहुत सारे हमारा डॉक्टर साहब को हुआ है, AITs को हुआ है, तो वो क्या होगा, वो बच्चा पैदा करने का क्षमता उसको बंद कर देता है। वहीं प्रेगनेंट तो हो जाएगा लेकिन उसका भी जो है 6 से 9 महीने में, 10 महीने के अंदर उसका भी जो है बच्चा गिर जाते हैं। तो जो सा साठ है, साठ को बहुत सारे बीमारी का टेस्ट करा के उसको जो है सीमेन स्टेशन पे रखा जाता है। अब आ गया जो सा सीमेन बनता है, ऐसे उसका कीमत बहुत कम होता है, जिसको हम कॉन्वेंशनल बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो सा साठ है उसका हम बीज लेते हैं, उसमें 50% जो है बसरा पैदा करने का उसमें DNA होता है, जिसे क्रोमोसोम बोलते हैं, और 50% बछिया पैदा करने का क्रोमोसोम DNA होता है। जब वही सीमेन जैसे साठ का है, साठ का भी 50-50 है, वो अगर प्रेगनेंट करेगा 50% चांस रहेगा बसरा होने का, 50% चांस रहेगा बचिया होने का। उसको हमने जो है उनका साठ है, साठ स्टेशन में कोई गाय नहीं रखते हैं, वहाँ पे जो है साठ ही रहता है, साठ के ऊपर ही हम उसको माउंट कराते हैं, उसी तरीके से करा के उसके सीमेन जो है हम लेते हैं। 37 डिग्री उसका अंदर का होता है टेम्परेचर, उसी के लेके हम अंदर देते हैं, वहाँ पे बनता है। बनने के बाद ये जो है हम जो है जब AI करेंगे, तो जो सा गाय है उसमें भी चाहे साठ से नेचुरल या तो कॉन्वेंशनल से करेंगे, तो 50% बछड़ा या 50% बछिया होने का चांस होता है। 100 बच्चा होगा तो 50 तो बछड़ा होगा, 50 बछिया होगा। अब थोड़ा सा जो है
अब क्या हो रहा है, जैसे ये 50 आपका जो बछड़ा हो रहा है, बछड़ा का कोई कीमत है ही नहीं, उसको छोड़ देते हैं, वो क्या करता है, आपका तो नुकसान है ही है, कम से कम आप तो 3 महीना तो पालेंगे ही पालेंगे उसको, क्योंकि उसका माँ का दूध लेना है, अब छोड़ नहीं सकते। 3 महीना जब पालेंगे उसको खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, दवाई का खर्चा है, उसके बाद आप उसको छोड़ देते हैं। तो ये जो सा 3 महीना पाला, इसमें भी कम से कम आपको 5-6 हज़ार रुपया खर्चा होता है, वो फ्री का गया आपका, क्योंकि आपने तो छोड़ दिया, छोड़ नहीं पड़ेगा। वो फिर क्या होगा, वो जैसे सड़क पे गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी का खेत चूक लिया, नुकसान हो गया, तो इसके ऊपर जो है ध्यान दिया। जैसे बड़े बड़े डेयरी फार्म है, उसमें क्या है, वो गाय है और उनको जो है ज्यादा गाय ही चाहिए, बछिया ही चाहिए, तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप किया कि हमें जो है ऐसा सीमेंट चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बछिया ही पैदा हो जाए। तो इसके वजह से जो है टेक्नोलॉजी नया आया सेक सीमेंट, वही सार्ड उसी का ही सीमेंट हम कलेक्ट करते हैं, करने के बाद उसको हम लैब के अंदर भेजते हैं, वहां पे हमारा टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से जो हम स्ट्रो बनाएंगे उसमें 90% बछिया पैदा करने वाली बीज होगा और 10% जो है बछड़ा पैदा करने वाला। लेकिन जो ये दूसरा लैब है उसमें 50% बछड़ा, 50% बछिया पैदा करने वाली बीज होता है। तो ये फर्क है, ये 50-50 है, ये 90-10 है। तो ये सीमेंट इसलिए महंगा होता है क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा महंगा होता है। लेकिन इसका फायदा ये है, आप अगर यही सीमेंट अगर आप यूज करेंगे, आपके गांव में अगर 100 अगर प्रेग्नेंट हुआ है इसी सीमेंट में, तो वहां पे आप जो फील्ड का डाटा आया हुआ है वहां पे 85-90% तक जो है आपका बछिया ही होता है और 10 जो है बछड़ा होता है। ये फायदा है सेक सीमेंट का। और जैसे हमारा अभी फील्ड का डाटा है, जैसे हमारा ये आ रहा है कि 35-40% जो है प्रेगनेंसी रुक रहा है, इसका मतलब है एक गाय को गाभिन करा के लिए कम से कम 3 स्ट्रो चाहिए, 3। किसी गाय अगर सही है तो वो जो है पहला स्ट्रो में ही प्रेग्नेंट हो जाएगा, अगर वो अगर उसमें भी बहुत सारे फैक्टर है कि वो जो है गाय कब प्रेग्नेंट होगा वो भी बताऊंगा मैं, किसी में जो है दूसरे में हो सकता है, किसी में तीसरे में, और किसी में हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि तीनों में जो है सब गाय जो है प्रेग्नेंट होगा, नहीं, उसका बहुत सारे कारण होता है। ये आ गया सेक सीमेंट का, कि सेक सीमेंट अगर आप अगर लगाएंगे तो आपके यहाँ पे अगर बच्चा पैदा होगा तो वो 90% आपका जो है बच्चे ही हो।